मॉर्निंग स्टूडेंट्स, नाइन्थ क्लास। हम बिहाइव की बुक कर रहे हैं अपनी। इसका फर्स्ट लेसन हमने कर लिया था, द फन दे हैड। सेकंड लेसन हम बाद में करेंगे। अब आज हम करेंगे थर्ड लेसन, द लिटिल गर्ल। इसका राइटर है कैथरीन मैंसफील्ड। कैथरीन मैंसफील्ड, ये एक छोटी लड़की के बारे में स्टोरी है बेटा, जिसका नाम है केजिया। केजिया वॉज ए लिटिल गर्ल। केजिया एक छोटी लड़की थी और वो क्या करती थी, पापा से बहुत डरती थी। शी थॉट दैट हर फादर वॉज लाइक ए जायंट। वो क्या सोचती थी कि उसके पापा बड़े दानव की तरह, मतलब कि उनसे बहुत डरती थी, क्योंकि उसके पापा बहुत स्ट्रिक्ट थे और उससे कभी बात नहीं करते थे और उसके साथ खेलते नहीं थे कभी भी। वो सारा दिन ऑफिस में रहते थे और शाम को ही घर वापस आते थे। ही हैड बिग हैंड्स एंड बिग नेक। उनके बड़े बड़े हाथ थे और बड़ी गर्दन लगती थी उसे बहुत ज़्यादा। शी वेंट टू ऑफिस इन द मॉर्निंग। वह सुबह ही ऑफिस चले जाते थे और रात को आते थे। जब वो ऑफिस जाते हैं तो जब उनकी गाड़ी के जाने की आवाज़ आती है तो वह बहुत रिलैक्स अनुभव करते हैं, क्योंकि जब उसके पापा घर में होते हैं तो वह बहुत डरी डरी रहते हैं और जब उसके पापा ऑफिस चले जाते हैं तो बहुत खुश रहती है। वो पापा से बहुत ज़्यादा डरती है, उसके पापा स्टिक भी बहुत होते हैं। शी फियर्ड हर फादर लाउड वॉइस। वह क्या करती थी, उसके पापा बोलते बहुत तेज थे, लाउड वॉइस में बोलते थे बहुत ज़्यादा तेज आवाज़ में, तो बहुत ज़्यादा डर जाती थी। वो सोचती थी हार्ड हार्टेड मैन, वो सोचती थी उसके पापा बहुत कठोर दिल के आदमी हैं, उन्हें कभी भी मतलब दया नहीं आती किसी के ऊपर, वो हमेशा गुस्से में रहते हैं। उसे ऐसा लगता था उसके पापा हमेशा ही गुस्से में रहते हैं। एक दिन उसके पापा का बर्थडे होता है तो उसकी दादी उससे पूछती है तो अपने पापा के बर्थडे पर क्या देगी। एक ग्रैंडफादर होते हैं उसके, ग्रैंड मदर होती है उसकी, ठीक है। दादी, उनके घर में कौन कौन सदस्य होते हैं, उसकी दादी और मम्मी पापा और वो, फोर मेम्बर्स होते हैं। तो उसकी दादी उससे पूछती है अपने पापा को क्या गिफ्ट दोगी, तो उसको आइडिया आता है कि पिन कुशन बना देते हैं। एक कुशन छोटा सा होता है ना, तकिया छोटे वाला, वो बनाती है। उसे भरने के लिए कुछ नहीं मिलता तो अपने पापा के पेपर्स ले लेती है, उसे कमरे में जाती है, परंतु वो पेपर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। बाद में जब उसके पापा को पता चलता है तो वो उसे स्टिक से पिटाई करते हैं, छड़ी से उसकी पिटाई करते हैं बुरी तरह से, तो वह अपने पापा से और भी हेट करने लग जाती है। बाद में वो एक दिन देखती है कि पड़ोस में उनके कोई आते हैं, उनका मिस्टर मैकडोनल्ड्स नेम होता है उनके फादर का। तो उनके फादर बहुत ही सॉफ्ट हार्टेड होते हैं, बहुत ही स्टिक नहीं होते, बिल्कुल प्लेइंग विद हिज चिल्ड्रन। वह उसके बच्चों के साथ खेलते हैं सारे दिन, तो उसे लगता है कि भाई अच्छा फादर्स ऐसे भी होते हैं। लेकिन पहले उसने सोचा था कि फादर्स हमेशा स्टिक होते हैं, लेकिन उनको देखकर उसे लगता है कि फादर बच्चों के साथ खेलते भी हैं। एक दिन उसकी मम्मी, फिर कुछ टाइम बाद उसकी मम्मी एक दिन बीमार हो जाती है तो वह हॉस्पिटल जाती है, दादी भी उसके साथ जाती है। तब उसके पापा उसकी बहुत अच्छी तरह देखभाल करते हैं, तब वह अपने पापा से बहुत प्यार करते हैं। उसे पता चलता है कि उसके पापा का बहुत बड़ा दिल है और काम की वजह से उसके साथ नहीं खेल पाते, वैसे उसके पापा बहुत अच्छे इंसान हैं।